असी ये यात्रा संपन्न की है। सानू हर जिले दे विच बठिंडा तो बाद हर जिले च हर कस्बे दे विच सानू इन्ना कु ज़्यादा साथ मिलिया प्रेस का। असी ये उम्मीद तो ज़्यादा तो मैं एक बार दिलों आपके परिवार वालों आपदे वालों सारे का तह दिलों एक बार फिर धन्यवाद करता। दूसरा वैसे कपूर साहब ने सारा दस ही दिता, एक पहली यहोजी यात्रा सी जी अज तक किसी ने भी मुलाजमान के हक के नहीं की। यात्रा बहुत हुई यात्रा बहुत हुई, अगर तुसी पहला वाली यात्रा देखो लोगों ने किसी ने कोई सुखिया ता यात्रा हुई, किसी ने आपके परिवार वास्ते सुखिया या किसी ने आपके रिश्तेदार वास्ते सुखिया, या ये पहली यात्रा सी जिन्हें मुलाजमान वास्ते ते व्यापारियों वास्ते ये यात्रा सुखी। महीना यहोजा सी जिहड़ा मतलब डर लगता सी भी पता नहीं कर पाव नहीं कर पावांगे, तो जिहड़ा पहला दिन सी उदों तो तबीयत वैसे भी शाम तक बहुत खराब हो चुकी सी, बड़ी मुश्किल नाल असी पहला दिन पूरा किया। उस तो बाद डे ऑन डे बेसिस ते लोगों का प्यार रब का साथ सानू ये यात्रा कंप्लीट करने दी सानू बहुत मतलब आशीर्वाद मिले रब का। असी रब का फिर मतलब असी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सानू उत तक लै गए। दूसरा जिहड़ी चीज़ सानू रस्ते च देखने मिली जिहड़ी इत्थे बैठे बठिंडे च रहिंदे मैनू नहीं दिखी, पहली चीज़ लोगों का पंजाबियों का प्यार अज भी जिंदा है। मैं तुहानू एक दो गल्लां दसदा, असी एक बाई चांस जा रहे सी जीरे तो अगे तरन तारण साइड नूं, तो रस्ते दे विच इक ढाबा बंद मिलिया सवेरे, तो बहुत ज़्यादा थकान सी ते असी भुंजे बैठे सी। कोई पंजाबी विचारा उत्थे आया, उन्हें सानू देखिया पहला तो निकल गया भी चल शायद वैसे ही बैठे होने, तो जो वापसी आया सैकलिंग करके सवेर सवेर का टाइम सी, तो उन्हें पूछा भी तुसीं इत्थे क्यों बैठे हो, असी उन्होंने दस्या भी असी बठिंडा तो चले हाँ तो थक गए हैं तो सानू चाह की लोड़ सी पर ढाबा बंद है तो असी वेट कर रहे हैं ढाबा खुलूगा तो असी चाह पीवांगे तो फिर अगे चलांगे। उन्हें चाह ही नहीं मतलब विचारे ने जो दस्या उसे तीन चार घर बाहर आके उन्होंने चाह बिस्कुट या होर चीज़ा सानू काफ़ी ज़्यादा साड़ी मतलब आओ भगत की। इस तरह रस्ते दे विच भी होर तीन चार इंसीडेंट होए, उस तो यह लगता भी अज भी पंजाब दे विच पंजाबी जिंदा, लोगों के दिलों अज भी बहुत ज़्यादा प्यार है। उसने दस्या भी चाहे वह मुलाजम जथेबंदी है चाहे व्यापारी जथेबंदियां सी ते चाहे वह आम पब्लिक सी, बहुत लोगों ने सानू साथ दिता और बहुत लोगों दी दुख तकलीफा भी असी आपस शेयर कीतियां भी गलबात कीती, तो इहो जी दुख तकलीफा निकल के आईयां जिहड़ियां अज तक सानू इत्थे बैठे नहीं पता सी। मतलब इस तरह लोग दुखी ने यह अंदाजा ही नहीं सी भी पंजाब दे विच इस तरह के बेचारे लोग ने छोटे छोटे करारे लोग ने जिन्हें ज़्यादा दुख दसे वो दसन योग भी नहीं है। इस टाइम मैं प्रेस सामने नहीं दस पाऊँगा पर मैं ये देख के रोन आता सी भी इन्ने दुख पंजाब दे विच फिर सरकार कर की रही है। सरकार नूं भी चलो पैदल ना चल सके कार ते मोटरसाइकिल ते जा के एक रूट ही कढ ले पंजाब दा तो उन्हें पता लग जूगा भी पंजाब दे हालात की ने। दूसरा जदों असी उत्थे पहुँच के हैं सानू उत्थे भी बहुत ज़्यादा हुंगारा मिलिया, बट बाई चांस बारिश बहुत ज़्यादा हो गई सी ते पानी बहुत ज़्यादा गलियारे दे विच खड़ा हो गया, गलियारे मतलब हैरीटेज स्ट्रीट ते खड़ा हो गया सी। फिर भी तकरीबन उत्थे 700-800 बंदा बेचारा पहुँच गए सी, बारिश सेर तो हो रही सी, ते इस करके वो जिहड़ी महासभा असी रखी सी उत्थे वो नहीं हो पाई, ते असी फिर उत्थे सारे नाल गलबात करके एक दोबारा अनाउंस की सी भी वो महासभा असी दोबारा उत्थे बठिंडा जाके रख लांगे। इस महासभा दे विच जो पहला जथेबंदियां सी उस तो इलावा सानू होर जथेबंदियां ने अप्रोच किया, ते आने वाले टाइम दे विच जिन्नियां भी पंजाब दी जथेबंदियां है असी उम्मीद करते जो साड़ी गलबात चल रही है वो एक स्टेज पर इकट्ठिया होनगियां। असी उस सारे का जिन्ना जथेबंदियां ने व्यापारियों ने ते आम लोगों ने साडा साथ दे रहे हैं असी उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। तो कल असी एक छोटा जा प्रोग्राम रखिया उत्थे रोज़ गार्डन पुल के थले इकट्ठे होवांगे,
तो उतों मनप्रीत जी के दफ्तर जाके उन्होंने फिर एक बार बेनती करांगे भी जे जनाब एक बार साढ़े सारे ते पंजाब वासियां ते व्यापारियां ते या जिहड़े इन्ने दुखी मुलाजम ने उन्हां ते इन्हां दी गल सुनन ते उन्हां दे जो बनदे हक है चाहे वह करोना पीड़ित मुलाजम ने चाहे वैसे ने चाहे वह जिन्हें बेचारे डॉक्टर ने चाहे वह कच्चे तो पक्के करने वाले मुलाजम ने बहुत ज़्यादा लोग दुखी ने और कई मुलाजमान तो तकरीबन 10,000 तो थले थले तनखा है और महंगाई सारे नूं पता है कांग्रेस नूं खुद नूं पता है आप धरने दे रही है बहुत वध गई है। तो असी कल का प्रोग्राम जिहड़ा हैगा प्रेस नोट असी तुहानूं ऑलरेडी दे चुके हैं तो कल का जिहड़ा प्रोग्राम यही मिथ्या हैगा भी जथेबंदियों नाल मिलकर उन्होंने भी जथेबंदियों ने भी अपने प्रेस नोट्स इशू कर चुके हैं परसों और ऑलरेडी कल अखबार च आ चुके सी। तो असी कल नूं कोशिश करांगे भी जथेबंदियां व्यापारियां ते आम जिहड़ी जनता तीनों मिल के असी दोबारा एक फैसला किया भी मनप्रीत बादल जी नूं एक बार फिर बेनती करिए भी वह कृपा करके थोड़ा जा डिक्टेटरशिप छड़ देन ते सुन लैन क्योंकि सरकार नूं कोई फर्क नहीं पैना एक मुलाजमां दियां थोड़ियां बहुत मंगां मन के। सरकारां कोल बहुत सोर्स हुंदे ने सरकारां कोल चंगा पैसा भी हुंदा है हुण भी जो सानूं पता लग्या तकरीबन 10 to 15,000 crore रुपया सरकार कोल ऑलरेडी उन्होंने लिमिट लैके रखी हुई है। नहीं लगता भी ये मंगा जायज़ नहीं हैगियां तो उन्होंने बुला के पूछ ले क्योंकि सरकार ने ना एक कमेटी बिठाई सी पे कमीशन कमेटी उन्हें भी जो रिपोर्ट दिती है ना वो देखो 4.5 साल लग गए उस कमेटी नूं इस रिपोर्ट बनाने वास्ते उहदे ते कमेटी ते भी मैनूं लगदा बहुत मोटा खर्चा हो चुकिया। वह रिपोर्ट देन दे बावजूद फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने वह रिपोर्ट नूं लागू नहीं किया ते आपदे मुताबक कहता भी इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। तो मैं मनप्रीत बादल जी फिर बेनती करूँगा भी मनप्रीत बादल जी भी जो आप 4.5 साल एक कमेटी बिठाई दिती है और कमेटी तो एक गौरमेंट ने ना खर्चा भी करता तो उदा जे आपदे मुताबक ही करना सी तो फिर कमेटी का परपज़ की सी भी 4.5 साल टपाने ये परपज़ सी या परपज़ सी भी जो आप कहना उही करना भी किसी की सुननी नहीं। मतलब मेरी बेर बेनती है मनप्रीत बादल साहब नूं भी तुसी कृपा करके देखो बहुत दुख है कई मुलाजमान के बच्चों का बचपन जा रहा है क्योंकि उन्होंने उन्हें जो कि पैसे नहीं मिलते पे कई बच्चों की पढ़ाई जा रही है पंजाब दे विच व्यापार वास्ते या मुलाजम वास्ते या रहने वास्ते अगर बाकी स्टेटा के मुकाबले देखिए हालात काफ़ी बदतर होंदे जाते हैं। उहदा इक्को एक कारण है भी आपां सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं सरकार नहीं सपोर्ट कर पा रही है हर बंदा आपदे हालातों ते ही खड़ा है आपदा गुजारा आप कर रहा है आपदा हर चीज़ आप कर रहा है सरकार वालों कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। जिवें तुसीं देखिया होगा भी काफ़ी यूथ बच्चे जिहड़े अगे आना चाहते ने बट काफ़ी गरीब ने उन्हां लई सरकार नूं कोई भी डिजिटल लैवल ते एक अच्छा कम्यूनिटी हाल छोटे छोटे बनाने चाहिए ने ताकि किसी बंदे ने नवा व्यापार करना है या नवी कोई इनवेंशन करनी है अज उन्हें गूगल ते या स्मार्टफोन ते या नैट चलाना तो उहदे कोल बेचारे कोल सोर्स नहीं हैगे वो इस तरह की चीज़ां कहीं तैयार नहीं जिहदे च पैसा कुछ भी नहीं लगता। जे एक बच्चा इतों उठ के सोर्स कर सकता है मतलब जाके गूगल से सर्च करके आपका नवा व्यापार बारे लेना चाहता नॉलेज लेना चाहता वो नहीं लै पा रहा क्यों बेचारे को सोर्स होना है नहीं यहोजे चीज़ा सानू रस्ते च मिलियां। एक घर का बच्चा बहुत ही ज़्यादा काबिल सी असी उन्हों आपदा मैं आपदा लैपटॉप खोल के दिता मैं क्या यार वजे इस चेक करो उन्हें ऑरगैनिक खेती बारे काफ़ी कुछ उन्होंने बेचारे जिन्ना को उत्थे पता सी पर उन्होंने गूगल तो बहुत ज़्यादा नॉलेज लीती मुंडा बड़ा शार्प सी उन्हें काफ़ी चीज़ा उन्हें घंटा डेढ़ घंटा ला के उन्हें काफ़ी चीज़ा उस नॉलेज जे एक बच्चा पंजाब का और नॉलेज लैके काम कर सकता है तो जे इस तरह के कम्यूनिटी सेंटर्स पंजाब हर जिले च बना दे जिहदी कॉस्ट बड़ी नॉमिनल जी है तो तुसी देखो भी पंजाब दे बच्चे की कुछ कर सकते हैं उन्होंने को सोर्स ही है नहीं है। जे तुसी चाहते हो कि हर तरह की खबर तक पहुंचे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी नूं ऑल ते करो।